जय हिंद दोस्तों, आज मैं आईपीसी की धारा 304A के बारे में बात करूंगा। इस धारा के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति लापरवाही पूर्ण ढंग से कार्य करता है या उपेक्षापूर्ण रवैये से कार्य करता है या उतावलेपन में कार्य करता है और उसके इस कार्य से किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु होती है, परंतु यह मृत्यु कल्पेबल होमिसाइड या आपराधिक मानवबद्ध या गैर इरादतन हत्या की श्रेणी में ना आती हो, तो यह अपराध धारा 304 के अंतर्गत आता है और इसमें अपराध सिद्ध की सजा कारावास की होती है, जिसे 2 साल तक बढ़ाई जा सकती है और साथ में आर्थिक दंड का भी प्रावधान होता है, जिसका निर्धारण आरोपी के आचरण में दिखी जाने वाली लापरवाही की डिग्री पर निर्भर करती है। इस प्रकार इस धारा के अंतर्गत किए गए अपराध के मुख्य तत्व हैं, पहला व्यक्ति की मृत्यु हो जाना, दूसरा किसी आरोपी के कार्यों की वजह से मृत्यु होना, तीसरा आरोपी का कार्य लापरवाही पूर्वक उपेक्षापूर्ण और उतावलेपन में किया जाना, और चौथा मृत्यु कल्पेबल होमिसाइड गैर इरादतन हत्या की श्रेणी में ना आती हो। यह एक संज्ञेय अपराध है और यह जमानतीय अपराध है। संज्ञेय अपराध मीन्स कॉग्निजेबल ऑफेंस, पुलिस बगैर वारंट के गिरफ्तार कर सकती है और यह कंपाउंडेबल नहीं है, यानी कि समझौता करने योग्य अपराध नहीं है और यह अपराध प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के यहाँ विचारणीय है। आज का वीडियो इतना ही। मैं उपेंद्र कुमार सिन्हा, रिटायर्ड सीनियर बैंक ऑडिटर और पेशे से वकील, आप इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।